everyone. It's me, Anil Yadav. I'm a teacher of math from Surat School, Mahendragarh. Today, I have a golden opportunity to teach you from the behalf of the Surat School, Mahendragarh. Respected parents and dear students, you know very well that Surat School provides online classes through YouTube channel and Zoom app. Dear student, it is very beneficial for your bright future, so stay connected with us. Dear student, today we will start our class and our today topic is fraction. देखिए आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ये कहता है कोई भी नंबर, कोई भी एक चीज है या कोई नंबर है उसको और अधिक बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देना इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के अंदर मेन टू पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास न्यूमिनेटर और दूसरा होता है आपके पास डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर आपको हमेशा नीचे। एक फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं मेनली, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब हमें ना प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान होती है जिसका न्यूमिनेटर होता है ऊपर का हिस्सा, न्यूमिनेटर होता है छोटा और जिसका डिनोमिनेटर हो जाएगा बड़ा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर 3/5। देखिए मैंने अभी भी बोला है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर होगा छोटा और डिनोमिनेटर हो जाएगा बड़ा इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उससे पहले आप उसको आइडेंटिफिकेशन आपको आना बहुत जरूरी है कि कौन सा फ्रैक्शन है, ये कैसे सम होता है। अब देखिए इम्प्रॉपर की डेफिनेशन होती है जिसका न्यूमिनेटर हो जाएगा बड़ा और जिसका डिनोमिनेटर हो जाएगा छोटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 5/3। देखिए मैंने कहा जिसका न्यूमिनेटर होगा बड़ा और डिनोमिनेटर होगा छोटा इस कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मिक्स फ्रैक्शन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखना जरा मिक्स फ्रैक्शन। देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन और मैं आपको बता रहा हूँ। मिक्स का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक वोल नंबर होगा। वोल नंबर का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2। वोल नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। ये कहता है एक वोल नंबर के साथ कोई भी फ्रैक्शन जुड़ा हुआ होगा तो ये कहलाएगा हमारा मिक्स। मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर के साथ कोई भी एक फ्रैक्शन जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा मिक्स। उसके बाद फोर नंबर पे हमारे पास आता है भी लाइक फ्रैक्शन। कौन सा आता है? लाइक फ्रैक्शन। जरा ध्यान से दीजिएगा, जैसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग फ्रैक्शन दिए जाएं और कहेगा टिक द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए, जिसका जिस फ्रैक्शन के नीचे वाले इज दैट डिनोमिनेटर सारे के सारे एक जैसे आ जाएंगे, इक्वल इक्वल आ जाएंगे, वो सारा हमारा कहलाएगा लाइक। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/7, 2/7, 3/7 और उसके बाद मैंने लिखा 4/7। देखिए जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल आएंगे एक जैसे सेम टू सेम आएंगे इज कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन जिसे हम लाइक का जब उल्टा कर देंगे तो हमारे पास अनलाइक बन जाएगा। ये कहता है ऐसे फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाले नंबर सारे डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, कुछ भी अलग अलग आएंगे, कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। देखिए जिसमें नीचे वाले सारे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे इस कॉल्ड ए अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद एक और फ्रैक्शन लिखते हैं हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन की देखिए आपके पास क्या पहचान होगी। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूमिनेटर हमारा एक ही डिजिट होना चाहिए सबका इक्वल, और वो क्या होना चाहिए? 1। फॉर एग्जांपल 1/3, 1/5, 1/2, 1/7। देखिए आपके पास मैंने यहाँ पर 6 टाइप के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन के बारे में लिखा है और मैंने सभी की डेफिनेशन आपको दी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।